टीस्टा वैली के बिल्कुल बीच में एकदम। तो ये चाय की सारी पत्तियां हैं, तो ये अभी टूटनी बाकी है, सारी डंडियां होती हैं यहाँ पे, उनकी पत्तियां सब तोड़ ली गई है। चलो भाई, थोड़ा बहुत फोटो शूट जो भी था वो कर लिया है, अब आगे चलते हैं। ये रास्ता जाएगा ऊपर, यहाँ से शायद अपने को लेफ्ट लेना है ना, है खाने का नहीं लिया तो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, यही तो है दुर्पिन दाड़ा। तो पिछली बार ना भाई हम यहीं पे आए थे, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो हम यहीं से नीचे जाके दुकान पे गए थे पेट्रोल भरवाने, मतलब पेट्रोल मिल गया था, उसी दुकान पे वापस जा रहे हैं कुछ खाने पीने। अब मतलब कुछ छोटा मोटा मिलता है तो वो ले लेंगे और फिर दुर्पिन दाड़ा की तरफ अपना रुख करेंगे। यहाँ पे है वो दुकान, ये रही, हाँ यही तो दुकान है वो, यू आर राइट। ओए भाई ये पेड़ देखो कैसे काटे हुए हैं, कुछ चेंज पड़े हैं, दे देना जो भी है। ओए भाई चिप्स दे देना, कुछ लेस दे दो, आ जाओ। सो अपन ने लिए कुछ चिप्स, चॉकलेट्स, कुरकुरे एंड पानी, ताकि आराम से थोड़ा वहाँ पे बैठ के खा पी सके अपना। और यहाँ से अब दुर्पिन दाड़ा सिर्फ एक मिनट का रास्ता है। ओहो पता नहीं अंदर का रास्ता कैसे होगा, अभी बन गया है या फिर वैसे ही थोड़ा सा ऑफ रोड है अंदर जाने के लिए, वैसा ही होगा। ये लेफ्ट में जो है रास्ता कट रहा है दुर्पिन के लिए। ओके तो यहाँ से थोड़ा सा सर झुका के जाना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, बिना अनुमति प्रवेश निषेध का, अनुमति हाँ, ऐसे इशारे से पूछ लो, इशारे से। चलो अनुमति था अच्छा, चलो फिर। तो भाई ये रास्ता अब अंदर दुर्पिन के लिए जा रहा है, थोड़ा सा कच्चा कुच्चा है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था और लास्ट टाइम पेट्रोल ख़त्म था, इस बार थोड़ी सी बैटरी कम है कैमरे की, लेकिन थोड़ा सा आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा सा एम ही है। यहाँ पे भी चाय का बगान है अंदर, देखो एक्चुअली है ये चाय का बगान ही, बस ये है कि वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है तो उसको दुर्पिन का नाम दे दिया गया है, दुर्पिन दाड़ा। यार ये रोड तो और भी ख़राब हो गया उससे, है ना। चलो कोई नहीं। ओ भाई साहब क्या व्यू है सामने का, सामने का मतलब इधर का। यहाँ पे है टीस्टा वैली टी गार्डन। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को सीखता हूँ, जैसे कि जो बंदे घूमने आते हैं कालिंपोंग सिक्किम वगैरह, उनको पता भी नहीं है इन जगहों के बारे में ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी अंदर जाके पड़ती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको लोकल ही मिलेंगे। मतलब अगर इतना अंदर पैदल आना पड़ता तो हालत ख़राब हो जाती है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इधर ले लेते हाँ, अब शायद मुझे लगता है आने वाला है ना। ये क्या बनाया हुआ भाई सामने, वो बाइक तो खड़ी है किसी की, बिल्कुल आगे ले चलूँ। ये सारी चाय की पत्ती तोड़ ली यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रास्ता ख़राब है। हैं अच्छा यही है ना, यार पिछली बार तो कितना बढ़िया था यहाँ पे, कितनी बढ़िया बढ़िया घासें थी यहाँ पे। अरे यार चलो कोई बात नहीं। वाह भाई, तो भाई ये देखो ये सारी पत्ती यहाँ पे काटी हुई है, एंड दिस इज़ दुर्पिन दाड़ा।
तो यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। शिवांका तो पहले निकल ली, लेकिन अभी विजिबिलिटी जो है ना थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है कुछ। स्मोक है ये? अच्छा, यहाँ से जो व्यू दिखता है ना भाई साहब, वैसे अभी वही मौसम हो रखा है लेकिन यहाँ पे धुआं हुआ सब कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। कुछ पहाड़ में ऐसे वो आग जला देते ना, वो बोला उस टाइप का धुआं यहाँ पे सब जगह है। बाकी एक नंबर जगह है भाई साहब, मज़ा आता है। वहाँ पे भी कुछ आई थिंक गेस्ट हाउस क्या है पता नहीं। तो आराम से अब सुकून से मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, इतनी शांति मिल रही है मेरे मन को। इतना मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप टीस्टा की तरफ से होके कालिंगपोंग सिक्किम गैंगटॉक घूमने जा रहे हो तो थोड़ा सा समय निकाल के आप यहाँ पे भी आ सकते हो, टीस्टा वैली टी गार्डन दुर्पिन दाड़ा। एनएचपीसी डैम से ऊपर पड़ता है, एनएचपीसी डैम पड़ेगी, रंबी आएगा, जो रंबी हमारा गाँव है, मेरा ससुराल है, उसको क्रॉस करने के बाद आगे एनएचपीसी की डैम आएगी। उस डैम से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट में एक टर्न ऊपर जा रहा है और यहीं पे वो रास्ता निकलता है आगे। इतनी अच्छी जगह है, मतलब इतनी सुकून भरी जगह है, और धूप जो खिलती है यहाँ पे, और उसके बाद जो विजिबिलिटी दिखती है यहाँ से, जो पहाड़ दिखते हैं, व्यूज दिखते हैं, और जो बैठने का यहाँ पे जो जैसे ये सीटिंग भी है, आप नीचे भी बैठ सकते हो, वहाँ पे नीचे घास है वहाँ भी बैठ सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा। दूसरा, आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हो, ठीक है, खाना बना के लाइए, यहाँ पे सर्व करिए साहब, बैठ के अपना एंजॉयमेंट करिए, कितना अच्छा लगता है। मतलब ये फैमिली के लिए ही जगह बनी है मेरे हिसाब से, तो मतलब इस जगह के आसपास कहीं घूमने आ रहे तो यहाँ पे आप जरूर आइए। एक जगह मैं और गया था, सिटोंग के अंदर पड़ती है अहालदाड़ा, अहालदाड़ा भी अच्छी जगह लगती है मुझे, मंगपू में है वो, मतलब वो भी बहुत अच्छी जगह है, मैंने उसका भी व्लॉग बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरे व्लॉग्स में, अहालदाड़ा के नाम से। और एक ये टीस्टा वैली दुर्पिन, जब से इसकी शादी होकर दिल्ली गई है अब इसको पहाड़ अच्छे लगने लग गए हैं, तो आज यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील कर रही है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं, अच्छा तो लगता है अपना पहाड़, अच्छा लगता है, लेकिन मतलब एक तरफ से रोज वही यही रह रहा की पुष्टि गई थी तो थोड़ा बाहर जाने का मन करता था, तो एक साल दिल्ली में रह के फिर यही सभी याद आती है ना, तो इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भूख लग रही है। बाकी मैं ये बोलूंगा, अगर आप इधर की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर आना, बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। नीचे यहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी हो गई है और दूर के जो पहाड़ है यहाँ से दिखते हैं, और कंचनजंगा भी दिखता है यहाँ से, हाँ I think यहाँ से कंचनजंगा भी दिखता है। ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, ये अपना हेलमेट, मैं अपने कैमरे को चार्ज कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे डस्टबिन भी है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो इसके अंदर फेंकिए, इधर उधर ना फेंकिए, ये बहुत अच्छी बात है। अभी शिवांका यहाँ पे बैठी हुई है, मैं भी यहीं पे बैठूंगा आराम से। उधर जैसे मैंने आपको बताया था एक गेस्ट हाउस है, क्या है, और दो कपल्स भी है वहाँ पे, और थोड़ा हिल रहा है कैमरा, ज़्यादा जूम हो गया। और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति है, चाय के बगान है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो अभी हम वहाँ पे उस पहाड़ी पे थे, वहाँ से इस झोपड़ी में आए, अभी झोपड़ी में क्या है वो देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी बनाया हुआ है बैठने बैठने का सीन, शायद कोई सोता होगा यहाँ पे। शिवांका यहाँ बैठी है और नीचे भाई सब पूरा का पूरा पूरी खाई है यहाँ पे। उधर नीचे कुछ छोटे मोटे घर है, गांव है, एक पहाड़ का टीला है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल वहाँ की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी ख़त्म है, रास्ता देखो भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, हवा का जो प्रेशर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है तो वो कोर्स हिलाएगा ही हिलाएगा। बाकी ये हूँ मैं, सामान हमने यहीं पे रख दिया सारा ला के अभी फिलहाल, और अब बैठेंगे आराम से यहाँ पे थोड़ी देर और।
धूप है अच्छे से खिली हुई, तब आपको घूमने का अच्छे से मजा आएगा, बिकॉज पूरी विजिबिलिटी दिखती है, सब कुछ अच्छे से दिखता है। टाइम हो गया है 3:05, और अब यहाँ से अब हम प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर की तरफ। बाकी आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना प्लीज़ मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग और व्लॉग, तो इसको भी हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे ऑफकोर्स। एंड ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।